एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईडी की कस्टडी में रहते हुए निर्देश जारी करना, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ सकता है। हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में निर्देश जारी करने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में रहते हुए निर्देश जारी करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है। जनहित याचिका में यह भी मांग की गई है कि अरविंद केजरीवाल के ईडी की हिरासत में रहने के दौरान कोई भी टाइपिस्ट, कंप्यूटर और प्रिंटर मुहैया नहीं कराया गया है। याचिका में केंद्र सरकार और ईडी को शिकायत दर्ज कर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच करने और मुकदमा चलाने का निर्देश देने की मांग की गई है। आप नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने दावा किया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जल मंत्रालय को निर्देश जारी किया है। आतिशी ने बताया कि कैसे सीएम द्वारा जेल से चिट्ठी भेजी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की समस्या है। मेरे जेल में होने की वजह से लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ईडी ने इस पर कहा कि अरविंद केजरीवाल को कोई भी कंप्यूटर नहीं दिया गया है, उनके पास किसी कुछ लिखने के लिए कागज भी नहीं है। सुनीता केजरीवाल ने भी कहा था कि ईडी हेडक्वार्टर से अरविंद केजरीवाल से चिट्ठी मिली थी। ईडी ने कहा कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं। आपका दावा है कि केजरीवाल ने ईडी हेडक्वार्टर से जल संकट के समाधान के आदेश दिए हैं, ये गलत है और हम इसकी जांच करवा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यू भारत।